नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय के साथ। गरुड़ जी ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोगकर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इस विषय में भगवान बताइए। हे करुणानिधे, पुण्यात्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा मुझे बताइए। भगवान बोले, हे ताक्षर्य, तुमने ठीक पूछा। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। मैं तुम्हें शरीर के पारमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मारंध्र में सचिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वह सब तुम मुझसे सुनो। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता एवं माता विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों के ऋतु काल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। 4थे दिन वस्त्रों सहित स्नान करके अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा व्रत करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है उसमें मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्राय ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युगम रात्रि में गर्भधान होने से पुत्र और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युगम रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। स्त्रियों के रजो दर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बनाया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने से गुणवान भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृत जीवों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त होता है। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा खारा तीखा तथा उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का यह क्षेत्र अर्थात गर्भाशय औषधि का पात्र हो जाता है। उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है। तांबुल खाकर पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर स्वास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व हो जाते हैं तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शौणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सर्व पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुणावस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या तीर्थ सेवन आदि
महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सपर्क के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत का प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद से रस्सी में सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर ब्रह्म रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत तथा अनात्म पदार्थों से अन्वित होने वाला इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें उसके साथ अन्वित या संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों के आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांच स्थूलभूत कहे गए हैं। वह शरीर इन्हीं पांचों भूतों से बना है, इसलिए पांच भौतिक कहलाता है। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम और मांस, ये पांच भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा तथा पांचवा रक्त, ये पांच जल के गुण कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे ताक्षर्य, योगियों के द्वारा सर्वत्र क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति, यह पांच गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलाना और चेष्टा करना, ये पांच गुण वायु के कहे गए हैं। घोष अर्थात शब्द, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण, सर्व संशय, समस्त तत्वों को आश्रय देने वाला, ये पांच गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जाने जाने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह अंतकरण चतुष्टय कहा जाता है। श्रोत्र, तव्यक, जीवा, चक्षु, नासिका, यह ज्ञानेंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थित, ये कामेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार, यह ज्ञानेंद्रियों के तथा वही इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति, ये कामेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, गजजीवा, पूषा, यशस्वनी, अलंपूषा, कुहु, शंखिनी, ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय, यह 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ देश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गार अर्थात डकार या वमन में नाग वायु होती हैं, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है, वह कुर्म वायु कहा गया है। क्रिकल नामक वायु क्षुधा को उद्वित करती है। देवदत्त नामक वायु जंभाई कराती है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पृष्ट करता है। उस पृष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। इस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अग्नि को पृथक करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे झोंकता है। उसके द्वारा झोंके जाने पर अग्नि
कीट अर्थात मल और रस को पृथक पृथक कर देती है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस के पृथक किया गया कीट अर्थात मल शरीर के कर्ण नासिका आदि बाहर छिद्रों से बाहर निकलता है। कान आँख नासिका जीवा दंत नाभि नख गुदा गुप्तांग तथा शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोम यह 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके यह सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो, एक व्यवहारिक तथा दूसरा परमार्थिक। हे विनतासूत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मैदा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा, 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व अर्थात दशमाशिका शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व शौणित अर्थात रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा अर्थात कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन गुणों से युक्त है। परमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप एवं सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस शरीर में स्थित हैं। योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं बताता हूँ जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल्लोक तथा पैर के ऊपर वितल्लोक, इसी प्रकार जानू में सुतल्लोक और जांघों में महातल कहे गए हैं। संखति के मूल में तलातल, गुह्या स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल, 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपोलोक और ब्रह्मारंध्र में सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अध्य कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, उधर्व रेखा में निषिद्ध, दाहिने की ओर रेखा में गंधमादन तथा बाई ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित है। यह 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में हैं। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, शिराओं में कौंच द्वीप, त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार है। हे विंतासूत, क्षार समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दुग्ध में, सुराका सागर शलेशम में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीर रत से रस में, दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान, कंठ के लटके हुए भाग अथवा उपजीवा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंडल,
और हृदय में बुद्ध का अस्तित्व समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित हैं। नाभि स्थान नाभि अर्थात गोलक में शनिश्चर स्थित हैं और मुख में राहु स्थित कहे गए हैं। वायु स्थान में केतु स्थित हैं। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त क्रम से अजपा जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे ताक्षर सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बतलाता हूँ, जिसको सर्वथा करने से जीव जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा गया है। इन चक्रों का क्रमशः मूलाधार अर्थात कूद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, भौहों के मध्य और ब्रह्मारंध अर्थात सहस्त्रार में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान और व से स पर्यंत वर्णों अर्थात व श ष स ह का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान ब से लेकर ल पर्यंत अर्थात ब भ म य र ल का आश्रय स्थान और षड्दलाकार मणिपूरक चक्र रक्तिमाभा वाले दश दलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्ण अर्थात ड ढ ण त थ द ध न प फ का आधार है। अनाहत चक्र द्वादश दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क ख ग घ य च छ ज झ ण ठ ठ से युक्त है। विशुद्ध चक्र षोडश दलाकार 16 स्वरों अर्थात अ आ इ ई उ ऊ री 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 ली ए ऐ ओ औ अंग अह से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हाँ सह इन दो चक्रों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर दैदिप्यमान सहस्त्र दल कमलाकार चक्र है, जो कि सदा सत्यमेव आनंदमय शिवमय ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्रार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों का सूक्ष्म गति कही है। हाँ का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंसह हंसह इस मंत्र से निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश के लिए, 6,000 ब्रह्मा के लिए, 6,000 विष्णु के लिए, 6,000 शिव के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए, 1,000 गुरु के लिए और 1,000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेता अरुण आदि मुनि इन षट चक्रों में ब्रह्मयुख के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शुक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति में ध्यान रखकर
विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अन्यन्य भाव से इन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हंस कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमयी धाराओं से अपने शरीर को प्रक्षालित करते हुए सदैव ये चिंतन करें कि फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक हमें उन्हें प्रणाम करना है। तदनंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए जो षट चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है और आरोह तथा अवरोह के रूप में षट चक्र में संचरण करती है। तदनंतर ब्रह्मरांध से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अनंतर ब्रह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप सो प्रकार सनातन रूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्नों से ऐसा नहीं करें क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो जाता है। इस प्रकार अंतर्योग संपन्न करके बहिर्योग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो जाती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मैंने भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय किया है। ब्रह्मा आदि देवताओं ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यद्यपि सद्मार्ग भी अंतकरण की शुद्धि के हेतु है, इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिस प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरणादि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे ताक्षर्य, जो सुकृति मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करता है।